हमारे साथ है बिग बॉस फैम जसलीन मतारू जी। मैं उनसे फिल्म फेस्टिवल में आए वो तमाम बातें करूंगा, कुछ बिग बॉस के बारे में बात करेंगे, उनसे गाना भी सुनेंगे। मैं सबसे पहले उनसे बात करता हूं फिल्म फेस्टिवल को लेके। मैम, फिल्म फेस्टिवल झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में कैसा लगा? मैडम, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। कल जिस तरह से सबको अवार्ड्स मिले हैं, यहाँ के जो यहाँ पे फिल्म्स बनती हैं उनको, बहुत कलाकार हैं जो उनको अवार्ड्स मिले हैं कल, मुझे भी मिला है और बहुत अच्छा लगा कि मुझे इन्वाइट किया एंड आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। किसी तरह की परेशानी मैडम आपको? बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ बढ़िया था, बिल्कुल खुशी खुशी जा रहे हैं, खुशी खुशी आए थे यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा आकर। बिग बॉस जी आप गई थी, कैसा लगा? बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था बिग बॉस में। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ ये बात, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं उस घर से और शायद ही हम इस तरह की चीज़ें बाहर रह के सीख सकते हैं। वो घर में जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है वो मुझे नहीं लगता कि आप कितने भी पैसे खर्च कर लो, कहीं भी चले जाओ, जिस तरह वो 3.5 महीने का जो शो है जिसमें से 3 महीने मैं उस घर में रही हूँ, तो वो एक्सपीरियंस जो है आपको पैसे देकर भी नहीं मिल सकता। वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत सारी चीज़ें 17 अननोन स्ट्रेंज मतलब स्ट्रेंजर्स के साथ रहकर आप जिस तरह सीखते हो, यू नो, लोगों के साथ रहकर, तो वो बहुत अपने आप में ही बड़ी बात है। मैम, बिग बॉस में आपको दीपक ठाकुर बहुत ज़्यादा अनबन होती रही, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, दीपक ठाकुर की प्रॉब्लम ये है कि वो मुँह से बहुत ही बदतमीज़ है और मैं थोड़ी सी शांत रहने वाली और मस्ती करने वाली लड़की हूँ, तो उनके साथ वो जिस तरह बिहेव करते थे मुझे समझ में नहीं आता था। वो बहुत अजीब स्टेटमेंट्स देते थे और जब मैं घर के बाहर आई तो मुझे पता लगा कि उन्होंने मेरे बारे में कहा है कि मैं लड़की भी नहीं हूँ, लड़का भी नहीं हूँ। तो किसी के बारे में, किसी लड़की के बारे में इस तरह की बात करना ही सबसे घटिया बात है मेरे हिसाब से। और बीच में उन्होंने मुझे मैसेज भी किया था जहाँ पर वो मुझे एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही थी, बट मैंने अपनी मेरी आंखों देखी बात है। पूरी दुनिया जो मेरे यू नो सपोर्टर्स हैं उन्होंने इस चीज़ पे बहुत ही उन्होंने बहुत बुरा माना है इस बात का, तो जाहिर सी बात है कि इसका कोई यू नो जवाब नहीं है। अब कितना भी वो मुझे कह ले कि नहीं मैंने इस तरह नहीं कहा या वैसे नहीं कहा, ठीक है हम बात नहीं करते एक दूसरे के साथ, बट मैंने वो टॉपिक उनके केस में ख़त्म कर दिया। वो मुँह से बहुत ही मुझे बदतमीज़ लगते हैं इसलिए मेरी उनके साथ बनी नहीं करी। श्री संत के बारे में क्या कहेंगे? वो बहुत ही प्यारे हैं और श्रीशांत और मैं हमेशा दोस्त रहेंगे, आगे और काम भी बहुत करेंगे, तो उनके साथ जो मेरी जर्नी बहुत रही है देखा जाएगा तो पहले जो शुरुआती थी जर्नी हमारी, वो बहुत झगड़े होते थे आपस में, हम बहुत एक दूसरे को कुछ भी कह देते थे, लेकिन विद टाइम हम समझ गए कि वो भी समझ गए कि मैं ऐसी ही हूँ। उन्हें हो रही थी वो कुछ भी रियल नहीं लग रहा था, बाहर आकर वो कन्फर्म हो गया कि वो कुछ भी रियल नहीं था, क्योंकि सोमी का मुझे, मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ ये, मुझे ऐसा लगता था जैसे कि वो जानबूझ के दीपक को यू नो इस तरह की बातें बोल रही हैं या उनको पटाने की कोशिश में रखा उन्होंने, क्योंकि वो नॉमिनेशन से बचना चाहती थी और गेम में आगे बने रहना चाहती थी, तो एक एंगल क्रिएट किया हुआ सा लग रहा था और बाहर आके मैं श्योर हो गई कि ये एंगल ही है, क्योंकि आई डोंट नो इसमें मुझे कोई सच्चाई नहीं नजर आई और कन्विंसिंग नहीं लगा। बाहर आके भी सोमी खान ने दीपक का दिया और टी शर्ट पहनी और उनके घर जाके मिली, तो उसको क्या समझ? तो हो सकता है कि दोनों को आपस में इस तरह के कुछ वो उनके बीच में कुछ इस तरह का यू नो अच्छी दोस्ती हो सकती है, गहरी दोस्ती हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू गाइस, सोमी एंड दीपक, जैसे भी आप लोग दोस्त हैं या गहरे दोस्त हैं या जैसे भी हैं आप। आपकी और दीपिका का कभी भी नहीं बन रही थी, उस पर क्या कहेंगे? मेरी नहीं बन रही थी उनके साथ शुरुआती में, क्योंकि मुझे वो बहुत बॉसी लगती थी पहले और मैं हमेशा कहती थी कि मुझे ऐसा लगता है मेरी सास आ गई है घर में, बट वो धीरे 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 मुझे लगता है 1 महीने बाद हमें एक दूसरे की नेचर समझ में आ गई, उन्हें पता चल गया कि मैं कैसी हूँ, एंड देन बहुत अच्छा हम दोनों का एक कनेक्ट रहा और घर के बाहर आकर भी है, हम जल्दी मिलेंगे भी। एक सॉन्ग सुना देंगे? जी बिल्कुल। कौन सा गाना सुनाऊं मैं? चलो मैं एक स्वीट सा गाना सुनाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ओ नजर नहीं चुराना सनम, हो बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम, हो ले लिया दिल, हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ओ नजर नहीं चुराना सनम।
थैंक यू। ये झारखंड में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि झारखंड में इतनी ब्यूटीफुल लोकेशंस हैं, मुझे लगता है यहाँ पर आकर भी शूट करना चाहिए, बहुत सी फिल्में यहाँ पर बन सकती हैं। और ब्यूटीफुल तो है ही, मैं बहुत बार रांची आ चुकी हूँ और मेरे बहुत इवेंट्स मैं यहाँ पे कर चुकी हूँ, तो जब भी आती हूँ मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर। तो जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, इफ यू वाचिंग दिस, झारखंड में बहुत ब्यूटीफुल लोकेशंस हैं, यहाँ पर आइए, यहाँ पे फिल्म्स बनाइए। क्या कोई ऐसा ऑफर आएगा पिक्चर बनाने का तो आएंगे फिल्म? बिल्कुल आऊँगी, क्यों नहीं आऊँगी, ऑफकोर्स आऊँगी। जब मैं ये बात कह रही हूँ तो खुद क्यों नहीं करूँगी। मैम सनबाग से बात करने के लिए आपको बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू।